Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot. Six bedroom always exposes darkness. So, कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो topic है guys वो है कि आपके expectation अनुसार, मतलब आप जो प्रत्याशा करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार आपके जीवन में क्या आने वाला है, मतलब as per your expectation what is coming towards you and what will coming towards you. Okay, so definitely it will be a time based collective for all zodiac signs and it is a general prediction. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे हम देखेंगे कि वट इज कमिंग टूअर्ड्स यू एंड डेफिनेटली एज पर योर एक्सपेक्टेशन वो होगा या नहीं. ओके, यूनिवर्स गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या आने वाला है, प्लीज गाइड मी. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. थ्री ऑफ वैंड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स. ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज देयर एम्प्रेस. ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत मतलब मैं देख पा रही हूँ. पहले से ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत हद तक देख पा रही हूँ मैं, एटलीस्ट 90% आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी अनुसार आपकी जिंदगी में उसी तरह का एनर्जी, उसी तरह का जो आप प्रत्याशा कर रहे हैं वो आने वाला है. नाउ यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस विद द थ्री ऑफ हैंड्स, मेष सिंह का धनुराशि, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक मीन राशि. यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो वंस मोर. यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस, यहाँ पे भी है क्वीन ऑफ हैंड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह का धनुराशि. यहाँ पे है वाटर साइन, यहाँ पे वाटर साइन, यहाँ पे फायर साइन, यहाँ पे फायर साइन, यहाँ पे टॉरस. ओके, यहाँ पे है लिब्रा. ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन विद द पेंटिकल्स. नाउ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स मैं बता देती हूँ. थ्री, थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, डबल थ्री, ट्रिपल थ्री आप देख सकते हैं. सिक्स, फोर, फोर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सेवन, टू टाइम्स सेवन यहाँ पे आया है, थ्री टाइम्स थ्री यहाँ पे आया है, फोर आया है और फाइव आया है. ओके, थ्री फोर सेवन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके, आप आपके अनुसार जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके एक्सपेक्टेशन ऐसा हो सकता है. आप ध्यान से सुनो कि आप जिस जगह पे करेंटली हो उस जगह पे आप लोग नहीं रहना चाहते हो, कहीं और दूर जगह पे आप लोग का ट्रांसफर हो, आप ऐसा चाहते हो या आपके पार्टनर चाहते हैं, ताकि एक न्यू एनवायरमेंट उनको मिले, ताकि एक न्यू मतलब पूरी तरह से नया वातावरण मिले. क्योंकि देखो नया वातावरण सबको चाहिए, ठीक है, क्योंकि पुराने जो जगह पे हम लोग रहते हैं उस जगह में रहते रहते ना कभी बार बहुत ऐसा होता है. सपोज कुछ लोग 15 साल 20 साल से रह रहे हैं, ठीक है, भले ही अटैचमेंट होता है लेकिन एक परिवर्तन सबको चाहिए, एक नया घर, एक नई दुनिया, कुछ नए लोग मिक्सअप करने के लिए. ठीक है, हो सकता है रहते रहते एक फीलिंग होता है डिससेटिस्फेक्शन का. कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम अपने देश में नहीं रहेंगे, दूसरा देश में जाएंगे, वहां पे शायद ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. आप लोग को लग रहा है यू आर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो कहीं ना कहीं पर आपको लग रहा है कि बाहर देश में जाके या बाहर स्टेट में जाके मुझे अच्छा ऑफर्स मिलेगा, इस स्टेट में शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ. तो उसी तरह से आपके जिंदगी में वो चीज़ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है.
ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि बहुत लोग 3 साल से 4 साल से इवन आप वेट कर रहे हो सही मौके का, वो मौका डेफिनेटली आ रहा है। काफी बार ऐसा हुआ है आपकी जिंदगी में, आप कुछ अचीव करते गए हो लेकिन आपके अंदर ना वो एनर्जी नहीं रहा। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपके पास रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी होगा। शायद आपको इन्फॉर्मेशन काफी लेट मिला था, या मिला था लेकिन वो एक पूरी तरह से आपको मिसलीड किया गया। ठीक है, आपको ऐसा बोला गया कि ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, फिर बाद में आपको पता चला वो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ लोग यहाँ पे इतना अपने मॉम के साथ आप अटैच्ड हो कि आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। या आपकी शादी हो चुकी है, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि नहीं हम बहुत दूर है, लेकिन आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी, मुझे लग रहा है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ शायद ट्रांसफर हो जाओगे दूसरा सिटी या दूसरा स्टेट में। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप चाहते हो अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोलमेट के साथ एक न्यू सॉलिड स्टेबल कनेक्शन, काश वो मुझे फिर से मिल जाए, अरे फिर से मेरा उनके साथ पैचअप हो जाए, फिर से मैं उनको मिलूं जाके, मैं कुछ कहूं जाके, वो सारे चीज होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज नेगेटिव है आप लोगों के अंदर अभी भी, और आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उसी अनुसार वो चीज हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको ऑप्शंस तो मिल रहा है लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हो, आप एक ही ऑप्शन में स्टक हो। ओके, सो यू आर नॉट फीलिंग कि नहीं मुझे नहीं लेना चाहिए। सपोज 3 जॉब ऑफर्स आए या 3 डिपार्टमेंट्स आए, आपको चूज करना है उनमें से, या 3-3 आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं लेकिन 3 ऑप्शंस है, लेकिन कहीं ना कहीं पर यू कैनॉट सिलेक्ट इट बिकॉज आप ख्यालों की दुनिया में डूबे हो, ठीक है। उस तरह से आपको अपने आप को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पर्टिकुलरली डिसाइड करना है। आप क्यों डिसाइड नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो कि इस तरह से होगा, मुझे सारे ऑफर्स चाहिए या मुझे नहीं चाहिए, आधा तो मुझे चाहिए वरना मुझे नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ एक साथ पाना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है, आप लोगों अच्छे जॉब भी चाहिए, आप अच्छे जॉब का भी इमेजिन कर रहे हो, अपने अच्छे हस्बैंड वाइफ का भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो भी अच्छे हो, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का, करियर का, स्टडीज का, बच्चे होने का, बट धीरे धीरे सब कुछ सेटल होगा, जो मुझे दिख रहा है सॉर्ट आउट होगा। प्रेजेंटली यू आर स्ट्रगलिंग टू मच, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है आपके सामने खड़ा हो रहे हैं एक के बाद एक, और वो चैलेंजेस इसलिए खड़ा हो रहे हैं बिकॉज स्टिल यू नीड टू रिवाइज। ऐसा बोला जाता है ना कि जब तक हम लोग रिविजन नहीं करते हैं चैप्टर्स को फिर से, एग्जाम्स के दौरान, मैं मुझे पता है एग्जाम्स के दौरान जब तक हम लोग रिविजन नहीं करते तो हम जितना भी पढ़ चुके हैं पहले वो कहीं ना कहीं पे हमारे मेमोरी में तो रहते हैं लेकिन कॉन्शियस दिमाग पे वो नहीं रहते हैं। ओके, सो वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंचोगे। तो आपकी उम्मीद क्या है? फिनिशिंग लाइन पर पहुंचना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अभी भी कुछ आपके अंदर कुछ इस तरह का कमी हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, या कुछ ऐसे चीज जो आपको रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफिकेशन के वजह से, करेक्ट करने के वजह से उस चीज में आप अव्वल आ पाओगे, ठीक है। सो आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपके मम्मी या डैडी या कहीं ना कहीं पे कोई गुरु आचार्य जी, सो आपके लिए काफी अच्छे हो सकते हैं कि वो आपको गाइड करें, वो आपको स्पिरिचुअली गाइड करें और वो आपको सही दिशा भी दिखाएंगे, और उसके वजह से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आई डू फाइंड आप ना, मुझे लग रहा है कभी गुस्सा करते हो ना तो तोड़ फोड़ देते हो, या आपके पर्सन ऐसा करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ऐसा करते हैं, गुस्सा आ जाए ना तोड़ फोड़ कर देते हैं, क्योंकि उनको ये जो गुस्सा है उनका जो है ना कि आपकी उम्मीद अनुसार वो काम नहीं करते। कभी कभी अगर आप बोलोगे तो और ज्यादा वो भड़क जाते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, यू हैव टू बैलेंस, ठीक है। तो वो आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस से ही ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। यू ऑल्सो डोंट नीड टू मतलब रेज योर टेम्पर। कोई अगर टेम्पर दिखा रहा है आपको इवन आपके लाइफ में भी, तो इक्वली आपको टेम्पर नहीं दिखाना है उसको, यू हैव टू स्टे कूल। तो एक्सपेक्टेशन अनुसार आपको ऐसा भी चाहिए कि कोई मुझे आके प्रपोजल दे,
मुझे इतना नहीं मेहनत करना पड़े, एफर्ट्स नहीं देना पड़े, तो उस किस्म के ही मुझे दिख रहा है कि इमोशनल कनेक्शन आपकी और आगे आ रहे हैं। ओके, आई डू फाइंड कि बहुत बड़े, देखो यहाँ पे क्या है विद द थ्री ऑफ वैंड्स और यहाँ पे भी है थ्री ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा मज़ेदार मुझे इसलिए लगता है बिकॉज सी देयर इज लाइक अ साइक्लोन सिचुएशन, या सुनामी सिचुएशन जो भी है। यहाँ पे ये बिल्डिंग तरफ पूरी तरह से पानी भर गया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे एक जहाज ऑलरेडी आ रहा है रेस्क्यू करने के लिए। यहाँ पे भी आपकी उम्मीद बहुत सालों से है कि मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं ट्रैवल कर पाऊँ, मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे स्टडीज़ करना है, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है बाहर से, तो वो चीज़ आपके करीब ऑलरेडी आ चुका है ना। सो यू नीड टू हैव लिटिल बिट पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं है बोल के ना भड़क रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप गुस्सा कर रहे हो कि जल्द से जल्द वो क्यों नहीं हो रहा है। देखो यू आर जस्ट डिसमेंटलिंग एवरीथिंग, आप सब कुछ तोड़ रहे हो। आप मे बी आप फर्नीचर्स नहीं तोड़ रहे हो लेकिन आप खुद के अंदर नाइट ऑफ वैंड्स एक्सेसिव आपका पैशन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो आप गुस्से में हो, अगर आप शांत होते तो आप एक जगह पे बैठे होते, राइट। सो यहाँ पे आपकी जो मतलब ड्राइव है बहुत दूर तक है, मतलब ऐसा लग रहा है अभी क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है, व्हाई नॉट राइट नाउ। तो यू हैव टू गिव टाइम, मे बी 3 मंथ्स, 3 वीक्स या 3 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कम से कम 3 मंथ्स तो आपको समय देना चाहिए, ठीक है। एक बेबी आने में भी 9 मंथ्स लगते हैं, ओके। सो यू हैव टू गिव टाइम। कुछ लोगों के लिए मे बी हेल्थ इश्यूज के मे बी वजह से आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाए, तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ एस्पेक्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक शांत वातावरण आपके मन को, मेंटल पीस को लेके आएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली विल गेन विजडम, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको और, ठीक है, आपको और मतलब गुस्सा नहीं आएगा कि इनकी वाणी से आपको बहुत ही अच्छा प्रेरित आप होंगे और आप इन्हीं का फॉलो अप करोगे, ठीक है। सो दिस पर्सन इज क्वाइट मच्योर। हायरोफेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट समवन दैट जिनके रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट है। मे बी आपकी एजुकेशन हो सकता है कुछ ऐसे बोर्डिंग्स में या किसी और जगह पे, या आप चाहते हो अपने बच्चे का स्ट्रिक्ट पंक्चुअल एजुकेशन हो, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यस यू आर गेटिंग एजुकेटेड, ओके। सो विद द एम्प्रेस कार्ड आई डू फाइंड लाइक यस यू आर बीइंग पैम्पर्ड अ लॉट, ठीक है। इन फ्यूचर आपका पैम्पर बहुत ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको किसी पार्टनर की केयर अटेंशन काफ़ी मिलेगा। फीमेल फीमेल यहाँ पे इस तरह से कुछ ऐसा नहीं है कि फीमेल फीमेल, जो भी आपके पार्टनर होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आपके प्रोटेक्शन में रखने की कोशिश करेंगे। और ये इंसान आप भी हो सकते हैं कि जो अपने घर में भी रहेंगे, जो ऐसे भी काम करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अपने फैमिली को वेल ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएगा, एंड बट यू हैव टू सेव, आपको सेविंग्स करने हैं। आप खर्चा इतना ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आपके ड्रीम्स काफ़ी है, मुझे सूट भी खरीदना है, मुझे घर भी खरीदना है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये सब करते करते ना क्या होता है, हम परचेस कर लेते हैं, इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, ओके। देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द डिवाइन गाइडेंस। सोलमेट्स ऑफकोर्स, सिक्स ऑफ कप्स, एक ट्रांसफॉर्मेशन खूबसूरत सा, डिवाइन फेमिनिन, आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लोगों आपके प्रति अटेंशन दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशन जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था कहीं ना कहीं पे सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए वो मायने रखता है। मैच्योरिटी लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, काफ़ी कुछ विषय पे आपके नॉलेज होगा और आप सही रास्ते पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और उसी रास्ते पे आपकी लाइफ पर्पस भी खत्म हो रहा है और आपको अपने सोलमेट्स भी मिल रहे हैं, ओके। एंड डेटिंग भी कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स
इट्स इन द कार्ड, कहीं ना कहीं पे देखो आपके आप हो सकता है कि कुछ समय के बाद आप चक्रस हीलिंग कराओ या आप खुद ही उसको हील करने की कोशिश करो पुराने दर्द से, ठीक है, आपको छुटकारा मिलेगा, गुस्सा कम होगा, शांत हो जाओगे आप धीरे धीरे और आपको लगेगा गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। एंगर ऑलवेज इज सच ए इशू दैट नीड्स टू बी कंट्रोल, एंगर ऐसा चीज है कि लोग गलती किए हैं आपने उसका पनिशमेंट ले लिया है, कोई गलती कर रहा है और आप उसका पनिशमेंट क्यों ले रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपेक्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय, टेक केयर।